अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट कहते हैं दिल को। हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट जो है ये एक बहुत ही अहम ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं? मैंने ऊपर इसका मीनिंग लिख दिया है, निज़ाम दुराने खून। इट पम्प्स ब्लड दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या काम करता है? इट पम्प्स ब्लड यानी खून को पम्प करता है, दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। द फ्लो ऑफ ब्लड कीप अस अलाइव। जो खून का फ्लो है वो हमें ज़िंदा रखने में मदद देता है। जो ही वो फ्लो रुक जाता है तो इंसान मर जाता है। द ह्यूमन हार्ट हैज़ फोर चैम्बर्स। जो इंसानी दिल है इसके चार हिस्से हैं। द अपर टू चैम्बर्स आर द राइट एंड लेफ्ट आर्टियम। जो इसके ऊपर वाले दो हिस्से हैं, ये इसकी डायग्राम देखें, ये राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम है। सबसे पहले आप अगर ये वाला देखें तो ये है राइट आर्ट्रियम, और ये देखें तो ये है लेफ्ट आर्ट्रियम। आगे इसको रीड करते हैं। द लोअर टू चैम्बर्स आर द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जो नीचे वाले दो चैम्बर्स हैं वो क्या हैं? राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी दाया वेंट्रिकल और बाया वेंट्रिकल। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स। द साइज ऑफ अडल्ट हार्ट इज अबाउट क्लोज्ड फीस्ट। फीस्ट कहते हैं मुट्ठी को, यानी इसका साइज एक अडल्ट जो है, अडल्ट हार्ट जो है इसका साइज एक मुट्ठी के बराबर है। तो इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वो है लंग्स। लंग्स किसको कहते हैं? फेफड़ों को। लंग्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी जो फेफड़े हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको कहते हैं? निज़ामे तनफ्फुस को। देयर आर टू लंग्स इन आवर बॉडी। हमारी जिस्म में कितने लंग्स हैं, कितने फेफड़े पाए जाते हैं? दो। देयर आर पोजिशंस अराउंड द हार्ट। ये किसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं? हार्ट के। द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग। जो दायां फेफड़ा है वो बड़ा है और जो बायां फेफड़ा है वो छोटा है। यानी लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग। बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े के से छोटा होता है। ऑफ द बिकॉज ऑफ द स्पेस टेकन अप बाय द हार्ट। इसकी वजह क्या है कि कुछ जो जगह है वो हार्ट घेर लेता है और बाकी की जगह पे फेफड़ा आ जाता है, और दूसरी जो बायां हमारा लंग है उस तरफ आपका हार्ट तो नहीं पाया जाता, दिल तो सिर्फ एक तरफ ही है बाएं तरफ, और इसलिए सारी की सारी जगह कौन घेरता है? लंग। देयर आर द ऑर्गन्स विच हेल्प इन ब्रीथिंग। अब ये जो ऑर्गन्स हैं ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं। कौन से ऑर्गन्स? लंग्स। ये आपको फिगर में लंग्स दिखाई भी गए हुए हैं। देयर फंक्शन इज टू इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन टू द ब्लड। इनका क्या काम है? ये ऑक्सीजन हवा से लेते हैं और खून में उसे धकेल देते हैं। एंड टू एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इन टू एयर। और क्या करते हैं? खून से कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसे हवा में दाखिल कर देते हैं। यानी जब आप सांस अंदर को खींचते हैं तो आप क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन गैस। जब आप सांस बाहर को लेते हैं तो आप क्या लेके आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब आप लोग आए एक्सरसाइज पे।
एक्सरसाइज का आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई इज हार्ट इम्पॉर्टेंट टू कीप अस अलाइव राइट सीट्स फंक्शन, यानी आपने इसका जो मतलब है इस क्वेश्चन का वो ये है, व्हाई इज हार्ट इम्पॉर्टेंट टू कीप अस अलाइव, कि दिल जो है हमारे जिंदा रहने के लिए क्यों जरूरी है, राइट इट्स फंक्शन और इसका काम लिखें। तो इसका आंसर जो है आपको इसी टॉपिक में मिलेगा जो मैंने आज आपको हार्ट का टॉपिक पढ़ाया, इसमें देखें जो मैंने लाइंस अंडरलाइन की हैं वो इसका आंसर है। मैं एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ, हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन सर्कुलेटरी सिस्टम, इट पम्प्स ब्लड दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, द फ्लो ऑफ ब्लड कीप्स अस अलाइव। इतना इसका आंसर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने जुबानी याद करना है और इसको होमवर्क वाली कॉपी पे लिखना भी है। बाकी आपने हार्ट वाले टॉपिक की और लंग्स वाले टॉपिक दोनों की रीडिंग करनी है, और आपको पता है कब तक इसकी रीडिंग करते रहना, जब तक कि आपको इसका कोई भी वर्ड ना भूले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।